Okay, Hare Krishna, and welcome you all to this special session from Bhagavad Gita, and it's very relevant to our lives. It's very relevant to our lives. Why? Because this session is the concepts of the session have been taken from the science of Bhagavad Gita. And Bhagavad Gita, I mean, it's quite interesting. चीज बताती है हमसे भगवत गीता कहती है कि आप शरीर नहीं हो आप राइट लेकिन इस आत्मा को समझने में जीवन निकल जाता है लेकिन समझ में नहीं आता है क्या है कैसी सो ऐसी सिचुएशन में हमें बहुत गहराई से इसके बारे में सोचना पड़ता है अब एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है हम कहते हैं हम आत्मा है तो एक बहुत अच्छी एक बार हम लोग एक लेक्चर में गए हमारे सीनियर डिवोटीज थे साथ में लेक्चर में गए और लेक्चर में बोलते हैं कि आप लोग शरीर नहीं आप आत्मा हैं तो आप अपने शरीर की आइडेंटिटी पहचान से अपने आप को बाहर निकालिए कौन सी शरीर की पहचान कि मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ मैं ये हूँ वो नहीं हम सब आत्मा है एक जैसा एक ही है तो जैसे ही उन्होंने ये बताया तो लेक्चर में एक हमारे गुजराती फ्रेंड थे मित्र तो वो जाकर अपना हाथ उठा के बोलते देखिए प्रभु जी आत्मा वात्मा तो ठीक है लेकिन हम है ना गुजराती आत्मा है ना कहने का तात्पर्य है कि आत्मा के सिद्धांत को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है हम आत्मा को भी शरीर के हिसाब से समझने का प्रयास कर रहे हैं तो ये जो री इनकार्नेशन ये रीइंकार्नेशन यानी कि पुनः आगमन का जो कंसेप्ट है हमारा शरीर को बार बार बदलने का जो भगवान बताते हैं भगवत गीता में देहि नोऽस्मि यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते सो जो धीर व्यक्ति है वो शरीर के इस बदलाव से कभी भी फर्क उसको नहीं पड़ता क्यों क्योंकि वो समझता है कि वो आत्मा तो इसी आत्मा के कंसेप्ट को और इस रीइंकार्नेशन के सिद्धांत को हम एक दोबारा से आज देखना चाहेंगे और गहराई में थोड़ी और गहराई में देखने का प्रयास करेंगे ताकि हम एक्चुअली में समझ पाए कि हम आत्मा है तो हैं लेकिन वो आत्मा अलग कैसे है सो मैं आपसे कुछ स्क्रीन पे स्लाइड भी शेयर कर सकता हूँ और आप वो स्लाइड भी देख सकते हैं उससे आपको थोड़ा सा और अच्छा आइडिया लगेगा ठीक है सो शुरुआत करने के पहले हम मंगलाचरण बोलेंगे शॉर्टकट वाला मंगलाचरण तो वो मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करूंगा और आप सब लोग ध्यान से देखकर उसको मेरे साथ में पढ़ने का प्रयास भी कर सकते हो ठीक है सो मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ आपको जब दिखे तो आप बताइएगा उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग इसको अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो सो ये मंगलाचरण है हम इसको बोलेंगे और आप सब इसके बाद मेरे साथ में बोल सकते हैं ओम अज्ञानमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशिलाखय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद सभी अपने हाथ ऊपर करेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे सो अब हम पॉजिटिव थिंकर की आज हमारी सेकंड सेशन है आज तो इसमें हम लोग इस रीइंकार्नेशन के कांसेप्ट को देखेंगे तो क्या ये इज डेडिकेटेड टू हिज डिवाइन ग्रेस सो
तो हम क्विज से शुरुआत करेंगे, हम देखते हैं आप लोग कितना जवाब देते हैं। तो चैट विंडो आप चाहें तो अपनी खोल सकते हैं, या हैंड रेज करने का बटन भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो जब हम शुरुआत करते हैं तो देखते हैं, ठीक है, कि आप लोग तो आप लोग अगर देखें तो पहला प्रश्न आपसे हम पूछ रहे हैं, कि प्रश्न ये है आप सभी से कि हाउ कैन आई लाफ एट माई ओन सफरिंग्स एंड रिमेन कूल है, यानी कि अगर मुझे कोई परेशानी है तो मैं अपनी उस परेशानी को लेके हंस कैसे सकता हूँ, या मैं अपने मन को शांत कैसे रख सकता हूँ। ये प्रश्न हमारे मन में आता है और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों के पास होना चाहिए, है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवत गीता 18वें अध्याय, 18वां जो अध्याय है वो आखिरी अध्याय भगवत गीता का, है ना। उस 18वें अध्याय में भगवत गीता हमें बताती है क्या, अगर आप 61वां श्लोक जाकर देखेंगे, 60 के बाद 61, तो 61वें श्लोक में भगवान बहुत अच्छी चीज बताते हैं। क्या बताते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन्त्र सर्वभूतानि यन्तारूढानि सॉरी मायया। सो भगवद गीता हमें बताती है कि भगवान जो है, इसका अर्थ क्या है वो समझ लेते हैं ना, संस्कृत तो समझ में नहीं आती है ना। तो सुप्रीम भगवान जो है वो हमारे सभी के हृदय में व्याप्त है, और जो एंड इज डायरेक्टिंग द वांडरिंग्स ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, हमें सभी के, है ना, दिशा निर्देशन भी ये भगवद गीता कर रहे हैं, मतलब भगवान करते हैं हमें हमारे हृदय में बैठे बैठे, ठीक है। हाँ, और ये फोटो भी आप देख रहे हैं ध्यान से, भगवान बैठे हुए हमें देख रहे हैं, और ये मशीन जो है वो मशीन हम चला रहे हैं, जिसको हम आत्मा समझते हैं वो एक्चुअली में शरीर है, और उसको हम चला रहे हैं। तो हम बेसिकली हम जिस कार को चला रहे हैं, जिस शरीर को चला रहे हैं, उस शरीर को ही आत्मा समझ रहे हैं, परंतु ये तो अलग अलग चीज है। आत्मा यानी कि ड्राइवर, यानी कि हम, और भगवान भी हृदय में बैठ के देख रहे हैं क्या कर रहा है, हम सोते हैं तब भी वो देख रहे होते हैं ये क्या कर रहा है। और ऐसी परिस्थिति में भगवान हमारे हर एक्शन को, हम जो भी सोचते हैं उसको पूरा करने के लिए हमारी मदद भी करते हैं, चाहे हम गलत काम ही क्यों ना करते, है ना। तो अब ध्यान से देखिए, जब हम सपना देखते हैं, रात में जब हम सपना देखते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारा शरीर है ना वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, लेकिन हम कहीं जा रहे हैं, कहीं गुलाब जामुन खा रहे हैं, कहीं हवा में उड़ने लग जाते हैं सपने, कहीं पे हम किसी से पिटाई कर लेते हैं, कभी कभी कोई हमारे पीछे दौड़ता है और हम डर जान बचा के भागते हैं और फिर आंख खुल जाती है ना। तो सपने में हम बहुत कुछ ऐसा देखते हैं, ठीक है ना, परंतु आंख खुलने के बाद हमें रियलाइज होता है कि अरे ये तो सपना था, तो हम शांत हो जाते हैं, अदरवाइज सपने में पता नहीं क्या उथल पुथल चलती है। इसी प्रकार से एक जो लड़का है वो सपने में देख रहा है एक लड़की को, और वो सोच रहा है कि आज मैं इसके साथ एंजॉय करूं। ऐसी परिस्थिति में वो उसको देख रहा है और उसको लग रहा है कि मैं इसके साथ एंजॉय कर रहा हूं, परंतु जब उसकी आंख खुलती है तब उसको पता चलता है अरे वो तो केवल एक सपना था, है ना। ऐसा ऐसा भी होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब हम सपना देख रहे हैं तो उसी को हम हकीकत मान के चलते हैं, लेकिन इसी प्रकार से इसी एक सपने की तरह
हम अपने जीवन को भी जी रहे हैं, और ये 70 साल 80 साल आजकल तो और भी कम हो गई है ना, इतने साल के बाद ये सपना टूटने वाला है ना, इतने सालों के बाद ये आपका सपना टूटेगा। और जब ये सपना टूटेगा है ना, तब हमको पता चलेगा ओ नो ये क्या हुआ है कि नहीं। तो हमारा जो भौतिक शरीर है केवल एक ड्रेस है जो हमें सपने में डाल देता है, भ्रम में डाल देता है, ये भ्रम ही सपना है, और हम इस शरीर को मान के इस सपने को जीने लग जाते हैं, जब तक कि ये सपना मृत्यु द्वारा तोड़ा नहीं जाता है कि नहीं। सो आप सोच रहे हैं जी काफी 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 नेगेटिव हो गया ये, तो ऐसे कैसे हो सकता है है ना। तो ये जो आत्मा है ना, ये ऐसी चीज है, एक आत्मा जो है हमारे अंदर ऐसी चीज है जिसको है ना हम देख नहीं सकते। और ये ऐसी चीज है कैसे देख नहीं सकते, तो उदाहरण के लिए आप मोबाइल फोन आपका है आपके पास, इस मोबाइल फोन में आप कोशिश करिए, खोल दीजिए मोबाइल पीछे से नट बोल्ट से सारा खोल दीजिए, और खोल के पीछे से बताइए है पूरा मोबाइल खोल के, चिपसेट विपसेट सब जो चिप खोलनी है खोल दीजिए पूरा, और हार्डवेयर देख के मुझे बताइए इसमें एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है ना, एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है वो आप बता सकते हैं क्या। तो लेकिन उस मोबाइल में जो चल रहा है उस सॉफ्टवेयर के आउटकम को देख के हम जरूर बता सकते हैं। हाँ, उसके लिए स्क्रीन खोलेंगे हम, और फिर उसके बाद उसकी सेटिंग्स में जाएंगे। अब वो सेटिंग्स जो है मोबाइल खोल के और मोबाइल के हार्डवेयर में नहीं है, वो सेटिंग जो है उस सॉफ्टवेयर में। तो ये दो चीजों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो जिस तरह का सॉफ्टवेयर डालेंगे, जिस तरह का ऐप डालेंगे मोबाइल में, वो उस तरह का काम करने लग जाएगा। बस इसी तरह से दोस्तों हमारा जो ये शरीर है ना, ये केवल हार्डवेयर की तरह है, लेकिन असली में जो सॉफ्टवेयर है और ऐप डली है, वो ऐप कहाँ रहती है? आपसे पूछेंगे कि आत्मा शरीर में रहती कि नहीं, तो हम आपसे ये पूछेंगे जो ऐप मोबाइल में इंस्टॉल करते हो वो कहाँ रहती है, वो कहाँ से आई है ना। तो ऑब्वियसली वो मोबाइल में तो नहीं बनी थी, और ना वो मोबाइल में हमेशा रहती है ना, ना वो अपने कार्यों को मोबाइल में करती है। आपने कहाँ से डाउनलोड किया? इसी तरह से आत्मा भी डाउनलोड हो जाती है और एक शरीर उत्पन्न होता है और शरीर को वो चलाती है ना? बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो जब मृत्यु होती है ना, तो जब शरीर को आत्मा छोड़ती है, उस समय हमें रियलाइज होता है ना कि शरीर में कोई चेतना नहीं रह गई, और हमारी कुछ इच्छाएं बच गई हैं वो हम पूरी नहीं कर पाए। ओ माय गॉड, शरीर छूट रहा है, रुको रुको थोड़ा भगवान, ये और कर लेने को नहीं भैया, यमराज नहीं छोड़ेंगे आपको, है ना, जाना ही पड़ेगा। तो ये आप ड्राइंग देख सकते हैं, एक एनिमेशन है जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि कैसे ये कार्य करता है ना। हम लोग मृत्यु को प्राप्त होते और नया शरीर लेते हैं, लेकिन हम नहीं बदलते। तो क्या नहीं बदला? आपकी मान लीजिए मृत्यु हो गई और आपने एक नया शरीर भी ले लिया, ऐसी परिस्थिति में मेरा आपसे ये प्रश्न है मित्रों, सोच के बताइए कि ऐसी क्या चीज है जो बदली नहीं। आप चैट विंडो में इस्तेमाल करके आप मुझे जवाब भी दे सकते हैं, ऐसा क्या है जो नहीं बदला? जब हमारा शरीर एक शरीर से हम दूसरे शरीर में जाते हैं, क्या नहीं बदलता? पूरा का पूरा शरीर बदल जाता है, और जो नहीं बदलता वही आत्मा है। ओके, वेरी नाइस, आत्मा। शुभम बता रहे हैं कि ये आत्मा है, यही आत्मा है ना। तो जो हमारा ये स्थूल शरीर चलना बंद हो जाए, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, है ना, स्थूल शरीर मतलब ये जो शरीर दिख रहा है इसको स्थूल शरीर कहते हैं, उस समय जो सूक्ष्म शरीर है वो आत्मा के साथ दूसरे शरीर में जाता है, यानी आपका जो मन है, जो आपकी बुद्धि है, और जो आपका ईगो है, आपको आइडेंटिटी देता है मैं, जिससे आप इसके चलते आप मैं कहते हैं, मैं वो आइडेंटिटी,
इसी को हम कहते हैं कि ये सूक्ष्म शरीर है। तो आत्मा के साथ ये सूक्ष्म शरीर भी दूसरे शरीर में जाता है, ठीक है। सो जो आत्मा है फिर वो दूसरे पिताजी जो होते हैं हमारे, जिनके जिनका हमें पुत्र बनना है, उनके वीर में जाता है और फिर वो जो माँ है उनके गर्भ में हमें डालते हैं, है ना। फिर माँ के गर्भ से हम लोगों का जन्म होता है, ठीक है। तो 84 लाख योनियां हैं, हम किसी भी योनि के माँ के घर में जा सकते हैं, गधे घोड़े शेर हाथी कुत्ते बिल्ली कुछ भी हो सकता है, किसी भी माँ के हम शरीर में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि हम इंसान ही बनेंगे हमेशा, पर इंसान बनेंगे भी तो हमें पिछले जन्म का कुछ याद नहीं रहेगा, तुम्हें पता ही नहीं रहेगा कि पहले क्या था, लेकिन एनीवेज तो ये तरीका है कि आत्मा सूक्ष्म शरीर यानी मन बुद्धि अहंकार को लेके दूसरे शरीर में जाती है, लेकिन जो स्थूल शरीर होता है यानी मोबाइल का हार्डवेयर यही रह जाता है ना। एंड्रॉइड दूसरे एक फोन में, दो फोन में, हजारों फोन में वो एंड्रॉइड रह सकता है ना, दैट्स द पॉइंट। ओके, अब इसको थोड़ा और गहराई में देखते हैं। जब हम भगवान के बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करते उस समय हमारे साथ क्या होता है, हमारा मन, हमारी इंद्रियां और हमारी बुद्धि ये प्रदूषित हो जाते हैं और इनमें भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति बहुत ही आलसी है, वो आलसी है बहुत, उसको सोने की बहुत इच्छा है, बहुत सोने की इच्छा, वो दिन में 15 घंटे 12 घंटे सोता रहता है, 10 घंटे 11 घंटे जो भी है सोता रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में उसको ऐसा शरीर दिया जाए, भगवान इच्छा को पूरा करते हैं, हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। हमने इच्छा कर ली, क्या इच्छा कर ली हमने, हमने कहा भगवान ऐसा ऐसा कुछ हो कि मेरी नींद पूरी हो जाए, तो फिर भगवान ऐसा शरीर देंगे जिसमें आप सो सकते हैं, लंबा सो सकते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए हम बोलते हैं हमेशा पोलर बियर, है ना। पोलर बियर मतलब जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, है ना, जब बहुत बर्फ गिर जाती है ना तो वो सो जाते हैं, 6-6 महीने सोते रहते हैं, खूब खाते हैं पहले, फिर 6-6 महीने सोते रहते हैं, बस उनका काम ही इतना है ना मित्रों। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा भगवान हमें ऐसा शरीर देते हैं जिसकी हमें चाह होती है, हमारी इच्छाएं पूरी जरूर होती है, आज नहीं तो कल। एक व्यक्ति है जो कि नॉनवेज खाने की बहुत ज्यादा इच्छा है, तो भगवान क्या करेंगे, उसको नॉनवेज इस जीवन में तो मिल जाएगा, इंसान के शरीर में थोड़ा बहुत नॉनवेज खा लेंगे, लेकिन फिर उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है तब भी, तो क्या करेंगे भगवान, उसको ऐसा शरीर देंगे शेर का या चीते का, जिसमें पूरे जीवन नॉनवेज ही नॉनवेज खाता है, इच्छाओं को पूरा। अब किसी कुछ है ना, होते हैं लोग जिनको कि अपनी बॉडी को एक्सपोज करने की बड़ी इच्छा होती है ना, कि ऐसी एक्ट्रेस एक्ट्रेस होती हैं जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट इन्होंने पूरा पूरे कपड़े निकाल देती है फोटोशूट्स कराने के लिए, मूवीज के लिए, अब उनका क्या करेंगे। तो भगवान उनकी भी इच्छाओं को पूरा करते हैं, देखिए क्या करेंगे, अगले जीवन में उसको पेड़ बना देंगे, है ना, अगले जीवन में उसको पेड़ बना देंगे, तो उसको कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं, ऐसे तो जानवर भी नहीं पहनते, लेकिन जानवर के बॉडी पे फिर भी बाल होते हैं, उनका फर होता है, वो ढक जाता है, परंतु ऐसी परिस्थिति में है ना वो लोग पूरी तरह से एक्सप्लोर कर सकते। तो कहने का तात्पर्य भगवान हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। अब देखिए, एक व्यक्ति ने मान लीजिए MIT से PhD कर लिया, MIT से PhD कर लिया, परंतु जब वो मृत्यु होगी ना, तो अगली बार जब बच्चा बनेगा ना, तो फिर से उसको PhD किया हुआ व्यक्ति है, लेकिन अगली बार बच्चा बनेगा तब फिर से ABCD सीखना ही पड़ेगा उसको, ध्यान रखिए इस चीज को। कहने का तात्पर्य है कि जब आपका शरीर बदलता है तो नए शरीर में ये भौतिक चीजों को दोबारा हमें सीखना ही पड़ता है। So, भौतिक स्तर पे, शरीर के स्तर पे हम क्या सोचते हैं, मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं जर्मन हूँ, तो ये मेरी कार है, मेरी मेरी कार मर्सिडीज है या ऑडी है,
इस प्रकार से हम अलग अलग कारों से भी अपने आप को पहचानते हैं, है ना। तो कभी कभी कोई बड़ा आदमी निकल के जाता है तो अरे वो मर्सिडीज वाले साहब जा रहे हैं, मतलब साहब जी की आइडेंटिटी क्या है कि वो मर्सिडीज वाले ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, तो ये हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है। सो तो आप अब एक बात बताइए, अब एक ध्यान से सोचिएगा, गहराई में सोचना है आपको, प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप चैट विंडो में इसका जवाब भी दे सकते हैं, चैट विंडो खोल लीजिए चाहे तो। क्या क्या सिमिलैरिटी है, क्या अंतर है, क्या है? जो आप सपना देख रहे थे एक सुंदर सी कन्या का सपना देख रहे थे, या फिर सपने में आपके पीछे एक कुत्ता पड़ा था और वो काटने ही वाला था आपको, या फिर आपने MIT डॉक्टरेट की डिग्री ली, हाँ देखिए दो दो तरह के सपने हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला एक सपना जो बस रात में आता है और खत्म हो जाता है, और ये एक सपना है जो जीवन भर चल रहा है, चला जा रहा है। तो ये दोनों सपने हैं, एक सपने में आपके पीछे कुत्ता भाग रहा है, थोड़ी देर में खुल गया वो, फिर पता चला हाँ बच गया। दूसरा सपना है जिसमें आपने MIT या डॉक्टरेट की डिग्री ले ली, लेकिन फिर वो भी सपना टूट गया, हाँ फिर वो डिग्री चली गई, है ना। तो वो MIT की डिग्री लेने के बाद भी वो डिग्री चली जाएगी, जैसे कि रात भर का सपना सुबह खुल जाता है वैसे ही, और फिर वो जो कुत्ता है वो गायब हो जाता है, वैसे ही जब मृत्यु होती है तो आपकी कितनी बड़ी बड़ी PhD की डिग्री ले लें किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी से, कितने रिश्ते नाते बना लें, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, कितना ही आप सपने बना लें, लेकिन वो सपना भी टूट जाएगा। तो ये भी एक सपना है और वो भी एक सपना, फिर भी उस सपने को पूरा करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, देखिए सपना पूरा करने के लिए भी मेहनत करते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग क्या है कि व्हाट प्रिंसिपल्स कैन बी ड्रॉ फ्रॉम द ओनर ऑफ मर्सिडीज हु वाज वरीड अबाउट देयर। दूसरा प्रश्न है कि जो मर्सिडीज वाले भाई साहब थे उनकी कार को किसी ने ठोक दिया, है ना। मर्सिडीज कार वाले को अगर कोई ठोकता है तो वो जो मर्सिडीज कार को जो एक खरोंच भी लगती है ना, तो वो कार पे नहीं लगती है, वो व्यक्ति के हृदय पे लगती है। अब क्या होगा, मेरी कार में खरोंच लग गई। कहने का तात्पर्य है कि हम क्या सिद्धांत इससे बाहर निकाल सकते हैं, जो कि इतना चिंतित हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है कि अरे मेरी गाड़ी को खरोंच आ गई, है ना। और तीसरा उसका दुख देखिए, क्यों, क्योंकि ये जीवन एक सपना अगर है तो वो मर्सिडीज कार को खरीदना, खरीद लिया उसने, लेकिन जैसे ही सपना टूटेगा, जीवन खत्म होगा, मर्सिडीज कार उसके हाथ में नहीं रह जाएगी, फिर भी वो उसके लिए रो रहा है, दुखी हो रहा है। तीसरा पॉइंट हमारा, तीसरा प्रश्न है आपसे, हाउ डू यू अवॉइड योर सफरिंग इन लाइफ व्हेन यू एनकाउंटर सच अ लॉस। आपके जीवन में भी आपकी कोई मर्सिडीज या आपकी कोई प्यारी चीज टूटती है, छूटती है या दूर हो जाती है, हैं? आप सोचिए, आप सभी सोचिए, आपकी लाइफ में आपके सबसे क्लोज और निकट कौन सी चीज है, आपके जीवन की कोई सबसे निकटवर चीज जो आप जिससे प्रेम करते हैं। तो आपके जीवन में कौन सी ऐसी निकट चीज है जिससे आप प्रेम करते हैं, हाँ, और वो जब आपसे दूर हो जाए, है ना, आप सोच लीजिए पहले मन में, तो क्या आपकी फेवरेट चीज है जो आपको सबसे आपके दिल से एकदम नजदीक है, सबसे दिल के आपके करीब को, उसको सोचिए, और फिर वो दूर दूर जाए आपसे तो कितना दुख होगा, आप रोएंगे, ओह माय गॉड क्या चला गया मेरा, मेरा जैसे दिल का दिल टूट के टुकड़ा निकल गया दिल का, है ना, ऐसा लगेगा आपको, है कि नहीं। परंतु दोस्तों ये सोच के देखो, ये रोना सपने में रोने के समान है, उस चीज को जो एक्चुअली में छूट जाती है उसके लिए रो रहे हैं, हाँ सोचा ना, ये इंटरेस्टिंग चीज है, वो उस चीज के लिए रोए रहे, वैसे ही छूटनी, तो सोचिए आज छूट जाए तो क्या बुरा है, क्यों जब मृत्यु के समय वो छूटेगी तब आपको बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है, तब आपको
बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है। क्यों दर्द होने वाला है? क्योंकि वो कुत्ता पीछे पड़ा था, है ना, अब काटेगा भी। एनीवेज, तो ये उदाहरण था जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे थे। आप लोग अब चैट विंडो पे हमें बताएंगे आपकी एक फेवरेट, एक सबसे ज्यादा फेवरेट चीज क्या है। आपको अगर सबको नहीं मैसेज करना है तो मुझे पर्सनली मैसेज भेज सकते हैं, आप बता सकते हैं आपकी सबसे फेवरेट चीज कौन सी है। आपको चैट विंडो पर होंगे, लिख के भेज सकते हैं मुझे आपकी सबसे फेवरेट चीज, सबसे ज्यादा फेवरेट चीज कौन सी है। चैट विंडो में आप डाल सकते हैं, अगर आप नहीं डालेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि आप मेरी आवाज को नहीं सुन पा रहे। अतर कहते हैं भाई खाना मुझे बहुत पसंद है। भाई विकास जी बताते हैं कि भाई फैमिली, विकास जो है वो बता रहे हैं मॉम डैड, और पुनीत बता रहे हैं माई फॉल्स ईगो, मुझे बहुत प्रिय है। बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इतनी फॉल्स ईगो को उससे भी प्रेम रखना इम्पोर्टेंट चीज है। और बताइए इसके अलावा और कौन बताना चाहिए। फ्रूट्स, कोई इसमें आप में से कोई कह रहे हैं फ्रूट्स? अग्नि मित्रम कह रहे हैं फ्रूट्स मुझे बहुत पसंद है। अरे वाह, श्रेया कह रही है कि मेरे लव्ड वंस, फूड, ट्रैवल मुझे बहुत पसंद है। तुषार कह रहे हैं कि मुझे मेरा देश बहुत पसंद है। और एक व्यक्ति अभय, अभय कह रहे हैं कि मेरी लाइफ और मेरी फैमिली, है ना। रोहित कह रहे हैं ट्रैवल एंड कैरियर्स, कैरियर्स कह रहे हैं अभय। देखिए आप लोग और आप देखिए, ये जब सपना टूटेगा ना, ये जो सपना टूटेगा तो उस सपने के टूटते समय या टूटने के बाद ये कुछ भी नहीं रहेगा, है कि नहीं दोस्तों? तो इसीलिए इस बात पर ध्यान देना बहुत बहुत आवश्यक है कि हम सपना देख रहे हैं, इस चीज को समझ पाए। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है ये हकीकत नहीं है, हम हकीकत हैं, हम फैक्ट हैं, और वो हम ही आत्मा है। इसीलिए ऐसी चीज से प्रेम करें जो कि सपना टूटने के बाद भी बनी रहे, है कि नहीं? चलिए इस बारे में और डिस्कशन करेंगे, पहले आगे। तो एक क्विज आपसे हम पूछ रहे हैं, अंडरलाइन द वर्ड्स दैट बॉयज आर कॉन्शियस अबाउट। So underline the words that boys are conscious of, and then underline the words that girls are conscious about. Encircle the words that both boys and girls are conscious about, and presenting about presenting oneself, and wave, encircle the words that a devotee of God should be conscious about. ये प्रश्न है आप लोगों से। है ना, फॉर एग्जाम्पल हम पेन उठा लेते हैं और पेन उठाकर हम बताते हैं आपको। जैसे रीबक शू बॉयज बहुत पसंद करेंगे ना, और इंटेलिजेंट हो सकता है बोथ बॉयज एंड गर्ल्स are conscious about, तो इसको encircle कर देते हैं। वैसे color of dress usually boys की तो वही रहती है, लेकिन girls का थोड़ा variety होता है। तो ये wave underline यानी girls के लिए। फिर young look both boys and girls are conscious about। Hair style आज की date में तो both boys and girls, पहले girls ज़्यादा conscious होती थी, boys का तो एक ही cut होता था, आजकल boys भी conscious हो गए हैं ना। लिपस्टिक ऑब्वियसली बॉयज लिपस्टिक तो नहीं लगा सकते, ये गर्ल्स आर कॉन्शियस अबाउट। सिगार मोस्टली बॉयज ज्यादा लेते हैं। बेल्ट बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हो सकते हैं। सो ये बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं, आप इसको देखेंगे। और ये सारे चीजें सपनों के अंदर केवल
अटैचमेंट के पॉइंट्स हैं, ये सभी ये सभी हमारे सपने को और सुंदर बनाने में मदद करते हैं और अटैचमेंट बनाने में। लेकिन जब ये सपना टूटता है ना तो ये अटैचमेंट हमें और दर्द भी देते हैं, बहुत दर्द देते हैं, है ना। इस दर्द से बाहर निकलना है ना, तो इन चीजों में हमें क्या करना है अभी नहीं बताऊंगा। चलिए ठीक है, तो सारा इरेज हो जाएगा एक साथ, मुझे पता नहीं इरेज आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। ये एक्सरसाइज थी, लेकिन आई थिंक अभी हम लोग इस ऑनलाइन मोड में उतना क्लियरली तो नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया चीजों को। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ हैव यू सीन मच टाइम पीपल स्पेंड इन डेकोरेटिंग देयर हेयर, लोग बालों के हेयर स्टाइल बनाने में कितना समय, एक एक दो दो तीन तीन घंटे सलून में बैठे रहते हैं और 2-4 हज़ार रुपये लेकर आते हैं, उसके से कम में तो उनका वो बिल भी नहीं बनता है ना। तो बढ़िया एसी रहता है आसपास, बढ़िया बैठे रहते हैं, म्यूजिक सुनते हैं और चलता रहता है ना इस पे टास्क। तो हमको इसको समझना पड़ेगा कि इस पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं लोग, लेकिन वही बात है ना, इतना सुंदर सजाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, कंडीशनर लगाते हैं, तेल लगाते हैं, क्या क्या करते हैं ना, स्टाइल बनवाते हैं और उसके बाद जेल भी लगाते हैं, लेकिन गलती से वही बार अगर आपके खाने में गिर जाए, आप जो भी खाते हैं उसमें गिर जाए तो आपको कैसा लगेगा? पहले तो आप ही का बाल हो तब भी आप सोचे ये किसका बाल है, मैं खा लेता तो है ना, ऐसा होता है ना, तो आपको बहुत ही है ना दुख फील होगा, दुखी फील होगा। उसी प्रकार से हमारे जो ये नाखून है ना, ये बॉडी का हिस्सा है ना, लेकिन जब इन्हीं को हम काट देते हैं है ना, और इनको काट देते हैं तो क्या ये अब हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है? नहीं है, क्यों? हम इसको फिर काट के डस्टबिन में फेंकते हैं ना, सजा के कहीं म्यूजियम में या शोरूम में तो नहीं रखते, सजा के रखेंगे फिर कुछ सोने चांदी की तरह बिकेगा, ऐसा तो कुछ नहीं। और चाहे वो बाल हो, चाहे वो हमारे ये नेल्स या नाखून हो ना, ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये केवल शरीर से कनेक्टेड है ना। तो शरीर का अपना इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं कि शरीर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं। शरीर जब है ना, जब तक आत्मा शरीर के अंदर है तभी तक शरीर का इंपॉर्टेंस है, और जब आत्मा शरीर के अंदर नहीं रहती है ना, तब क्या होता है, तो शरीर की कीमत नहीं है। आप जिस दिन मर जाओगे ना, आपकी मृत्यु हो जाएगी, कोई एक दिन भी आपको नहीं रखेगा घर पे, सड़ने लगता है शरीर, उसमें से लिक्विड आने लग जाते हैं बाहर, वो कहते हैं जल्दी से जल्दी इसको क्या करो, फेंकाओ, दफनाओ, जलाओ, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि सपना खत्म, अब सब कुछ वेस्ट है, कचड़ा है, नाखून जैसे काट के फेंके वैसे आपका शरीर भी किसी काम का। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं, आई थिंक ऑनलाइन मोड में ये एक्टिविटी करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एक क्विकली मैं आपसे पूछ सकता हूँ है ना, कि ये 6 इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं इसमें है ना, टू शो हाउ एलिमेंट्स ऑफ सर्टेन बॉडी यानी कि माइंड इंटेलिजेंस पॉलिसी को इंटरैक्ट करते हैं। सो लेकिन इसमें समय लग जाएगा और आपके पास समय की कमी है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी हम कर सकते थे, बट आज स्किप करते हैं, अभी नेक्स्ट टाइम इसको प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, पीयूष ने हाथ ऊपर किया है, अगर कुछ पूछना चाहते हैं इस समय तो क्विकली हम एक क्वेश्चन ले सकते हैं। पीयूष, हाँ पीयूष बोलिए। स्पीकर कौन है? पीयूष क्या बोल, हरे कृष्णा, पीयूष क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? पीयूष क्या आपने गलती से हैंड रेज कर दिया है, क्योंकि आप शायद बोल नहीं सकते क्योंकि आपका मुझे स्पीकर नहीं दिखा है, तो एक बार आप हैंड को अपने आपके नीचे कर रहा हूँ। ओके,
सो इस एक्टिविटी को आज अभी हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो सो ये कुछ एक्टिविटीज हैं, बहुत अच्छी एक्टिविटीज हैं, बट पर्सनली आपका जब सेशन होगा तो इस तरह की एक्टिविटीज को हम करवाने का प्रयास करेंगे। ओके 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 सॉरी, आपको तो स्क्रीन दिख रही है। ओके ठीक है, सो वी लेट्स क्विकली डिस्कस दीज पॉइंट्स। इल्यूजन जो कि बॉडी के कारण आते हैं, क्विकली डिस्कस करते हैं। एक्टिविटीज हम नहीं करेंगे अभी, बट हम क्विकली डिस्कस करते हुए चल देते हैं। तो इमेजिन करिए कि आप एक सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते हैं और आपने अच्छा गा दिया, मान लीजिए आपको फील आएगा कि अरे मैं बहुत बड़ा सिंगर बन गया हूँ, है ना, और मैं बाकी सबको पछाड़ सकता हूँ। ठीक है, तो आपका माइंड जो है ना, आपका माइंड क्या सोचता है कि अरे यार स्टेज पे जाऊंगा तो कैसा लगेगा, उसको डर अंदर से लगेगा, है ना, कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और आपकी बुद्धि क्या कहती है, अरे मैंने अच्छे से तैयारी की, इतनी मेहनत करी है, है ना, और अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है ना, और अगर मैं बाथरूम में इतना अच्छा गा सकता हूँ तो स्टेज पे भी अच्छा गा सकता हूँ, ऐसा हम सोचते हैं ना। सो अगर हमारा माइंड हमारे इंटेलिजेंस से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, हमारा माइंड हमारे इंटेलिजेंस से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो क्या होगा, हम डर से भर जाएंगे। और अगर हमारा इंटेलिजेंस हमारे माइंड से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो क्या होगा, हम अपने डर के ऊपर जाकर जो हमारा बेस्ट हो सकता है वो तो डेफिनेटली हम दे पाएंगे। तो ये माइंड और इंटेलिजेंस की लड़ाई है, ठीक है। दूसरा, एकेडमिक सक्सेस वर्सेस सुसाइड, ठीक है। सो राम और श्याम दो बहुत अच्छे दोस्त हैं। राम जो है श्याम से कहता है, श्याम तुम जानते हो कि विक्टर एंटर्ड अपॉन एंड कमिटेड सुसाइड। तो श्याम कहता है अलास, ही हैज बीन अ टॉपर इन 3 years of BTech and only this time I heard that his grades were down and he failed into papers. तो श्याम कह रहा है भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि वो 3 साल तक टॉपर बना रहा कॉलेज का, लेकिन आखिरी साल में उसका ग्रेड डाउन हो गया और 2 सब्जेक्ट में फेल भी हो गया। तो राम बताता है कि वो अपने पेरेंट्स को फेस नहीं कर पाया, एक्चुअली पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी लेकिन वो उन एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाया। तो श्याम ने क्या कहा, अनफॉर्चुनेटली ही डिडंट हैव अ बिगर पिक्चर ऑफ लाइफ, जीवन को पूरा जीवन को देखने की स्थिति में वो नहीं था, वो एक छोटी सी चीज में फंस गया कि मैं पेरेंट्स को कैसे देखूंगा, फेस कैसे करूंगा, और उसने क्या किया, सुसाइड कर लिया। तो लाइफ की सक्सेस की डेफिनेशन सबकी अलग अलग होती है ना। तो यहाँ पर जो विक्टर था जिसने सुसाइड कर लिया, उसकी सक्सेस की डेफिनेशन क्या थी, हमेशा टॉप करना, बस यही उसकी सक्सेस की डेफिनेशन। तो जब वो फेल हो गया तो हाँ क्या हुआ, फेल होने का मतलब है कि वो टॉप नहीं कर पाया उस क्लास। तो जीवन में सक्सेस की डेफिनेशन है ना, सक्सेस यानी कि जीत, विक्ट्री नहीं, सक्सेस को क्या बोलते हैं, सफलता। सफलता की परिभाषा सही होना जरूरी है। परिभाषा क्या होनी चाहिए, ऐसी परिभाषा होनी चाहिए कि हम अपना बेस्ट करें और फिर जो भी होगा वो भगवान पे आश्रित रहे, इससे हम अपने दुखों से बच सकते हैं और विक्टर सुसाइड से बच सकता है, ठीक है ना। भगवत गीता हमें इसी ज्ञान को देती है और हमें समझाती है। तो राम कहता है यस श्याम तुम सही कह रहे हो, आई हैव ऑल्सो हर्ड दैट सक्सेस इज नॉट इन द मेडल्स बट इन द रेस, है ना। तो जीवन की ये दौड़ को दौड़ने में ही सक्सेस है, इसको अच्छे से जीने में सक्सेस है, आखिरी में जो मेडल मिलेगा मरते समय उसका किसी कोई काम नहीं है हमारे जीवन में,
तब श्याम कहता है यस, है ना। तो विक्टर गॉट टू स्टडी इन बिट्स, है ना, बिट्स बहुत रेप्यूटेड कॉलेज, अच्छा कॉलेज है। हाँ, अपने आप में ये विक्ट्री है, अपने आप में ये सफलता है, लेकिन भगवान कृष्ण भगवद गीता के 18वें अध्याय में बताते हैं कि जब आप आग, यू क्रिएट फायर, है ना, आग जब जलती है धुआं भी उसके साथ में निकलता है, कि नहीं, जो भी कार्य करते हैं उसके साइड इफेक्ट्स भी होते ही होते हैं, है ना। तो सक्सेस मिलेगी लाइफ में तो कभी कभी फेलियर भी मिलेगी, कि नहीं, तो हमें उन दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो हम कितने एंडेवर्स करें, कितनी मेहनत करें, हाँ, तो उसमें कोई ना कोई कमी रह ही जाएगी। आप कितना ही अच्छे से करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसमें कोई ना कोई कमी रह जाएगी। तो यही श्याम समझाते हैं राम को। एंड देन राम कहते हैं थैंक यू फॉर योर वंडरफुल कंपनी दैट गिव्स मी ग्रेट विजडम टू लर्न इन माय लाइफ। एंड देन फाइनली श्याम सेज ओके इट इज ऑल द कंपनी ऑफ गॉड्स डिवोटीज दैट आई हैव बेनिफिटेड फ्रॉम व्हिच आई शेयर विद यू। ठीक है, ये एक एग्जांपल था राम और श्याम की कहानी, उनके विक्टर जो उनका दोस्त था उसके सुसाइड पे था। अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं, इंटेलिजेंस। ये था विक्टर ने हार क्यों मान ली, क्योंकि उसका मन उसकी बुद्धि के ऊपर चला गया था, लेकिन अच्छा, अब इंटेलेक्ट इज स्ट्रॉन्गर, है ना, रीजन प्रिवेल्स एंड डिसीजंस आर मेड आफ्टर गिविंग इशू ड्यू थॉट्स, यानी सोच समझ के फिर कार्य करना, इसको कहते हैं इंटेलिजेंस हमारा strong. In this case, we are less prone to making judgments and impulsively. है ना? Mind क्या हमारा क्या करता है? आज बोलेगा आज तुम लोग भगवान का नाम ले रहे हो, मंदिर जा रहे हो, chanting कर रहे हो, भक्तों से मिल रहे हो, ये बहुत 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 अच्छा कर रहे हो। और अगले दिन mind क्या कहेगा? अरे time waste मत करो, रोज रोज time खराब हो जाता है, कुछ नहीं धरा इसमें, चलो छोड़ो। लेकिन वही mind फिर एक दिन कहेगा चलो आज पढ़ाई करता हूँ, पर वही माइंड अगले दिन कहेगा अरे पढ़ाई वढ़ाई कर लो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ क्या फायदा, नंबर तो उतने ही नहीं आने, चलो जाके घूम के मूवी देखो। तो पहले कहा कि मंदिर नहीं जाना है, क्यों? क्योंकि पढ़ाई करनी है, माइंड ने कहा। अगले दिन कहता है यार पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, बहुत बहुत थक गए, बोर हो गए, तो क्या करना है, चलो मूवी देख के आएंगे। फिर मूवी देखेंगे, फिर दोस्तों, फिर मूवी में जैसा कि हीरो कर रहा है ना, एक्टिंग कर रहा है, थोड़ा स्मोकिंग कर रहा है, थोड़ी ड्रिंकिंग कर, तो वो भी करने की इच्छा बनेगी ना, अरे यार हमेशा लाइफ वैसी की वैसी है, थोड़ा चेंज होना चाहिए, चलो आज चलो दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं। फिर पार्टी में दोस्त मिलेंगे, फिर क्या करेंगे, अरे थोड़ी सी पी ले यार, चलता है, इतना ऐसे शुरुआत होगी। सो बेसिकली माइंड हमें इस प्रकार से इम्पल्सिव डिसीजंस में फंसाता है, इसीलिए हमें हमेशा गुड हैबिट्स के में बने रहना चाहिए, इंटेलिजेंस का पूरा यूज करना चाहिए, और माइंड के इम्पल्सेस से अफेक्ट हमें पर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है, वो एकदम रोड पार करने के लिए बस बैठा ही, अब कर ही लूंगा, अब बस बस कर ही लूंगा रोड पार, लेकिन क्या होता है, है ना, है ना, तो देखा आपने इस वीडियो में, शायद आप देख पा रहे हैं वीडियो को, है ना, तो हाँ वो अपने दोस्त को बचाने की कोशिश ही कर रहा है ना, लेकिन वो पीछे वाली गाड़ी उसको ठोक देती है, है ना। ठीक है, एनीवेज, कहने का तात्पर्य है माइंड के एजिटेशन से हमें बचना चाहिए, और बुद्धि से ध्यान पूर्वक धीरे से समझदारी पूर्वक कार्य को करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑलराइट, तो उसका मन कहेगा क्या, अरे यार चल 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 रोड पार कर ले यार, कोई नहीं। क्या होता है अक्सर हम दिल्ली में तो ऐसा देखते ही हैं, क्या होता है दिल्ली में कि हम कहते हैं अरे रोड पार करने के लिए, क्या होता है कि लोगों को पता है, क्या लोगों को पता ही होता है कि भैया अगर हम रोड पार करेंगे, है ना, तो लोगों को पता है कि भाई हम रोड पार करेंगे, तो अगर हम नहीं रुके तो गाड़ी वाला तो ब्रेक लगाएगी, तो सारे एक्सीडेंट इसी चक्कर में होते हैं। तो क्या होता है जब ये माइंड में फिट रहता है ना, तो हमारा माइंड क्या कहता है, अरे अरे पार कर ले वो रोक लेगा, और ऐसे 10 बार करता है, लेकिन कभी एक्सीडेंटली सामने वाला ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दे,
या ब्रेक ना दबा पाए, वो आपको देखे ही ना, वो कहीं और देख रहा था, तो फिर क्या होगा? इसीलिए माइंड हमारा कभी कभी जीत जाता है फैसले लेने में और अपने कार्य को तो कर लेता है, परंतु प्रॉब्लम क्या आती है कि हम रोड पार नहीं कर पाते, जीवन की रोड को हम पार नहीं कर पाते और हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, राइट? इसलिए माइंड को हमें माइंड के इम्पल्सिस को सुनने के बजाय इंटेलिजेंस का यूज करना चाहिए, है ना? तो माइंड को इंटेलिजेंस पर हावी नहीं होना चाहिए ना। प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में क्यों प्रैक्टिस करें, अब ये प्रश्न हमेशा आता है ना, व्हाई प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ, है ना? अब तो हम जवान हैं, अभी तो हमें घूमना फिरना चाहिए, खाना पीना चाहिए, है ना? मंदिर वंदिर तो क्या है, मंदिर तो रोड से जाते हैं ना, प्रणाम करके निकल जाते हैं, ऐसे हाथ जोड़ देते हैं ना, हो जाते हैं। अभी इससे ज्यादा की अभी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि देखिए अभी हमको इंजॉय करना है ना, तो अभी हमारा माइंड कह रहा है कि इंजॉय करो, तो हम इंजॉय करें। इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस तो क्या है ना, हमने कभी इंटेलिजेंस पे ध्यान नहीं दिया, है ना? इस तरह की चीजें होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा जो फॉल्स ईगो है, तो माइंड इंटेलिजेंस की लड़ाई तो हमने समझ ली, है ना? अब एक बार फॉल्स ईगो की लड़ाई को भी समझ लेते हैं। जो फॉल्स ईगो होता है ना, वो हमसे कहता है, क्या कहता है? नहीं, ऐसा नहीं कहता। फॉल्स ईगो कहता है हमें, मैं बहुत रही साथ में, मैं, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? ऐसा कहता है ना कभी कभी। सो तो माइंड कहेगा कि अरे एंजॉय करने का समय है, देखो तुम्हारे पास पैसा है, नया समय है, दोस्त है, मित्र है, और अभी पैसा आया है जेब में, इतना सैलरी भी आ गया है, चलो एंजॉय करो, बस कहानी खत्म। सो मैं, अब गलत काम भी अगर करना है मान लीजिए व्यक्ति को, तो भी सोचता है कि यार मैं ही थोड़ी कर रहा हूँ, सभी गलत काम कर रहे हैं। तो पहले वो ऐसी डेफिनेशन माइंड माइंड आपको कन्विंस करेगा कि देखो गलत काम मैं नहीं, सब करते हैं, है ना? तो मैंने भी एक दिन कर लिया तो कौन देख रहा है? ये हमारे माइंड हमें इस तरह से कन्विंस करता है, है ना? और ये वक्त वक्त मंदिर में रोज सुबह जल्दी उठ के 4 बजे उठ के इतना शोर करते हैं, है ना? आरती पारती करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, ये सब क्या है, है ना? ये सब ठीक नहीं है। क्यों? अरे मेरे को ये सब थोड़ी करना है, मेरे को तो एंजॉय करना है बस, और मेरे को मॉन्क थोड़ी बनना है, तो मैं नहीं करूँगा। इस प्रकार से ये आर्ग्यूमेंट्स देता है हमारा माइंड हमें कन्विंस करने के लिए। पहले माइंड बोलेगा मंदिर नहीं आने के लिए पढ़ाई करनी है, और फिर पढ़ाई करेंगे तब समझ गए, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? तो हम कभी भी इतनी पढ़ाई नहीं करते, है ना? हम कभी भी इतनी पढ़ाई नहीं करते कि बस हद कर दे, 24 में से 18 घंटे पढ़ रहे, हमारा एवरेज वही है 5 घंटे 6 घंटे, खूब पढ़ लिए एग्जाम आ रहा है तो 7-8 घंटे, इससे ज्यादा हम पढ़ेंगे ना तो माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सैचुरेट हो जाएगा, सैचुरेशन लेवल है। सैचुरेशन के बाद हम पढ़ सकते हैं, लेकिन वो रिटेन नहीं करेगा, माइंड मेमोरी हमारी रिटेन नहीं करेगी, है कि नहीं? सो हैविंग सेड दैट, ये केवल एक बहाना होता है माइंड का कि बहुत पढ़ाई करेंगे, है कि नहीं? सो इसीलिए हम सोचते हैं कि मृत्यु जो आएगी ना, बहुत बहुत बाद में आने वाली है, अभी तो क्या है। तो ये जो सपना है, जिस सपने की हम बात करते हैं, ये जीवन भी जो एक सपने की तरह चल रहा है, ये सपना अभी नहीं टूटेगा, ये आराम से का बहुत लेट टूटेगा, लेकिन हमें नहीं पता। 20-22 साल के लोग जो है, कोरोना हुआ, एक दिन कोरोना था और अगले दिन सुबह जाके ICU में प्राण त्याग दिए, और उनके माँ बाप ने उनका अंतिम संस्कार, अब तो आपके सामने चल ही रहा है इसका कुछ। और रोज अभी भी डेली 300-400 लोगों की डेथ तो हो ही रही है, वो भी इंडिया में, पूरी दुनिया का तो अलग ही नंबर है ना। तो कहने का तात्पर्य, सपना कभी भी खुल सकता है, इस सपने में हम ज्यादा समय रहने का प्रयास ना करें तो ये अच्छा है हमारे लिए, ठीक है? सो इस चीज का हम ध्यान रखें, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी को जीवन में प्रैक्टिस करना ही चाहिए, हाँ, ठीक है? तो हमें जैसे ही भक्तों का संग मिले, अच्छे डिवोटीज का संग मिले, जो अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, हमें इमीडिएटली उसका फायदा उठाना चाहिए, है ना? कभी कभी हमारी इंटेलिजेंस कहती है नहीं, कभी कभी इंटेलिजेंस भी कहती है नहीं,
तो उस समय हमें इंटेलिजेंस को भी स्ट्रांग बनाना चाहिए। इंटेलिजेंस कैसे स्ट्रांग बनेगी? हम जब अपने भगवत गीता जैसी बुक्स को पढ़ेंगे तो इंटेलिजेंस हमारा स्ट्रांग। एनीवेज, सो जब नाउ दैट आई हैव गॉट अ कंपनी ऑफ नाइस स्पिरिचुअल माइंडेड फ्रेंड्स, लेट मी टेक एडवांटेज ऑफ इट। उसका फायदा उठाना चाहिए जब भक्तों का संग मिल जाए तो, है ना, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए। And when I come out of this body as a naked soul, I will be answerable to God for all my deeds. जैसे ये सपना पता नहीं कब टूटेगा, लेकिन जब टूट जाएगा हमें अपने सारे कर्मों का जवाब देना पड़ेगा, है ना, भगवान को हर चीज का जवाब देना पड़ेगा। And therefore, life is like a journey with material and spiritual responsibilities, like two rails. जैसे ट्रेन चलती है ना, तो उसके लिए दो दो पटरियां होती हैं। इसी तरह से लाइफ को भी हमें अपनी मटेरियल एक्टिविटी और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में बैलेंस करके आगे बढ़ना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि जब मृत्यु पास आएगी तो फिर हम अपने जीवन के अल्टीमेट गोल को अचीव कर पाए। एंड देन फिफ्थ पॉइंट, माइंड इंटेलिजेंस ईगो। अभी ये जो मैकेनिज्म देखा हमने डिस्कस किया था, ये पिछला वाला, पिछली साइड, ये ईगो से कनेक्टेड था, है ना। अब माइंड इंटेलिजेंस ईगो तीनों भी कॉम्बिनेशन बनाती है। क्या बनाती है? कि अवर सेंसेस आर लाइक सर्वो मोटर्स। सर्वो मोटर समझते हैं, है ना, तो विच रिपोर्ट्स टू देयर बॉस विच इज माइंड। ठीक है, तो सर्वो मोटर सेंसेस और माइंड को रिपोर्ट करेंगे। फंक्शंस ऑफ माइंड आर थिंकिंग विलिंग एंड थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग। तो माइंड इज द स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स। तो जो विचार आते हैं वो माइंड में ही स्टोर होते हैं, और जो विचार पूरे नहीं हो पाते है ना, वो भी रहते हैं माइंड के अंदर। सो माइंड इज द कॉमन सेंटर फॉर ऑल नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। ठीक है, तो ये जितने भी हमारी पांचों इंद्रियां ज्ञान का अर्जन करती हैं, कहाँ स्टोर होता है? माइंड में जाके स्टोर होता है। एंड ऑल इंफॉर्मेशन दैट वी गैदर टू अवर सेंसेस इज स्टोर्ड इन द माइंड एज इंप्रेशंस। तो जो भी कुछ हम स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन सेंसेस के माध्यम से, जो भी कुछ करते हैं सेंसेस के माध्यम से, वो हमारे माइंड में जाके स्टोर बन जाता है और इंप्रेशन डाल देता है। एक फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति स्मोकिंग करता है, आज किया, कल किया, परसों किया, दो चार दिन, पांच दिन किया, हफ्ता किया, दो हफ्ता, महीना, दो महीना, उसके बाद उसको आदत पड़ गई। अब उसके माइंड के अंदर जैसे कि रस्सी घिस घिस के पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, एग्जैक्टली माइंड के अंदर इसी तरह से अब निशान पड़ गया है। अब इतना गहरा निशान पड़ गया है कि वो स्मोकिंग के बिना नहीं रह सकता। इसको कहते हैं चेन स्मोकर बन गया है, है ना। अब वो उसको लत पड़ गई, हिंदी में कहते हैं लत पड़ गई, वो नहीं छोड़ पा रहा है ना। सो इस चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, है ना। ये ड्राइंग देखेंगे आप अगर स्क्रीन पे तो आपको दिख रहा है माइंड ये सारी इंद्रियों से किए गए कार्यों का स्टोर हाउस है। सारे एक्सपीरियंस जो होते हैं, एटीट्यूड, थॉट्स, सारा कुछ यहाँ स्टोर होता है। ठीक है, तो माइंड क्या है? माइक्रो प्रोसेसर की तरह, है ना। अगर आपने साइंस का एक्सपेरिमेंट किया हो अपने कभी कॉलेज में, तो एक माइक्रो प्रोसेसर होता है ना। पहले हमारे जमाने में 80, 85, 80, 86 माइक्रो प्रोसेसर होते थे, या माइक्रो कंट्रोलर्स होते थे। वो माइक्रो कंट्रोलर्स में हम असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते थे, और वो प्रोग्रामिंग करके उसके हिसाब से हम क्या मोटर, सर्वो मोटर को चलाते थे। मोटर को कितने एंगल से चलाना है, कितना घुमाना है, वो करते थे, है कि नहीं। सो है ना, अगर हमारा माइंड, हाँ, अगर मोटर, हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है वो खराब है, ठीक से नहीं चल रहा है, तो क्या मोटर ठीक से चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि उसी से तो मोटर को चला रहे, है ना। अगर वो नहीं ठीक से चल रहा है तो मोटर भी ठीक से नहीं चल रहा है, राइट। सो माइंड जो है इनपुट रिसीव करता है सेंसेस से, हाँ, और डायरेक्शन देता है सेंसेस को वापस। तो इंटेलिजेंस क्या करता है कि माइंड को जो इंफॉर्मेशन मिला, इंटेलिजेंस बोलेगा करना या नहीं करना, ये टाइम इंटेलिजेंस का, ठीक है। एंड वो इंटेलिजेंस सही क्या है, गलत क्या है, वो हमें बताता है। तो इंटेलिजेंस का भी दोस्तों इंपॉर्टेंट काम है, पहला कि जो माइंड ने इतना सारा इंफॉर्मेशन लिया है उसको स्टोर करना और उसको चेक करना सही है गलत है क्या है। दूसरा डिस्क्रिमिनेट करना कि उसमें से सही क्या है गलत क्या है, प्रोसेसिंग करना। दूसरा कि डिफरेंशिएट करना सही गया क्या गलत है। और तीसरा डिटर्मिनेशन पावर, अगर पता है ये सही है तो उस पर टिके रहना। लेकिन परिस्थिति क्या हमारे साथ में बनती है,
कि जैसे कि बहुत चेन स्मोकर है, उसको पता है कि स्मोकिंग मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो इंटेलिजेंस कहता है नहीं करो नहीं करो, लेकिन फिर भी वो उसकी डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग नहीं है, उसका डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग नहीं है। तो क्या होगा, अगर डिटर्मिनेशन का स्ट्रांग नहीं है तो वो फिर भी जाके, उसको पता है स्मोकिंग ठीक नहीं है, फिर भी जाके स्मोकिंग बार बार करेगा। इम्पोर्टेंट तो माइंड के बीच में, माइंड में बहुत सारे डायलॉग्स चलते हैं, है ना, क्या माइंड में डायलॉग्स चलते हैं, माइंड फीलिंग करता है, बोलता है यार फीलिंग अच्छी है और ले लेते हैं, इंटेलिजेंस कहेगा नहीं ऐसा नहीं है, है ना। तो माइंड और इंटेलिजेंस को एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, जैसे कि एक बच्चा और एक माँ का एग्जाम्पल। तो बच्चा जो होता है ना, जिद करता है, हमको ये चाहिए, चॉकलेट खाना चॉकलेट खाना है। तो माँ कहती है नहीं चॉकलेट नहीं दूंगी, है ना, क्यों, तुम्हारे दांत में फिर दर्द होगा, रात को रोगे तो नहीं दूंगी। तो बच्चा क्या करता है, चुपके से चोरी से जाता है और चुपचाप खरीद के चॉकलेट खा लेता है, फिर रात को रोने भी लगता है। तो माँ कहती है अरे तुम कैसे रो रहे हो, दांत में दर्द है, क्या हो गया, चॉकलेट खाई थी, मना किया था ना, लेकिन खा ली। तो ये जो इंटेलिजेंस है माँ की तरह, और जो माइंड है ना बच्चा है, वो मन की तरह है, ठीक है, इसी चीज को। तो मन जब स्ट्रांग हो जाएगा और जाके चॉकलेट खाएगा तो बाद में पछताना उसको पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब आप देखिए, मैं गोदास हूँ या मैं गोस्वामी, मुझे ये फैसला स्वयं लेना पड़ेगा, ठीक है। गोदास क्या होता है, गो मतलब सेंसेस, इंद्रियां, हमारी इंद्रियां, उनको गो भी बोलते हैं, गो हिंदी इंग्लिश वाला गो नहीं, हिंदी वाला, ठीक है। गो का मतलब गाय भी होता है, गो का मतलब गाय भी होता है, लेकिन गो का मतलब सेंसेस भी होता है। तो गोस्वामी, कई लोगों का सरनेम होता है गोस्वामी, इसका एक्चुअली मीनिंग होता है, गोस्वामी मतलब कि जो अपनी इंद्रियों का स्वामी, यानी जिसकी इंद्रियां सेंसेस पूरी तरह से कंट्रोल में है, और गोदास मतलब कि जिसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं है। तो इंटेलिजेंस का मतलब है माँ की तरह, है ना, और इंद्रियां जो है वो है बच्चों की तरह, सॉरी इंटेलिजेंस, अभी हमने जो उदाहरण दिया था उसमें इंटेलिजेंस और माइंड को कंपेयर किया था। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ। अब इंटेलिजेंस को फादर बनाया, माइंड को मदर बनाया, और जो इंद्रियां हैं सेंसेस है उसको चिल्ड्रन बना दिया, ठीक है, ठीक है। इंटेलिजेंस को अभी मैंने फादर बना दिया है, माइंड को मदर और सेंसेस को चिल्ड्रन। अब देखिए क्या होगा, हाँ फादर का क्या काम है ना, घर में फादर का क्या काम है कि सबको सही गाइडेंस दे, बेटा ये सही है, पढ़ाई करो, ऐसे करो, ये करो, अच्छे काम करो, गलत काम नहीं करो, ये फादर बताएंगे, और बच्चों को चिल्ला देंगे। और बट अगर मान लीजिए फादर जो है मदर और बच्चों दोनों को कंट्रोल में रखेंगे और घर को एक अच्छी दिशा में लेके जाएंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, फादर कमजोर पड़ जाते हैं माँ के सामने, ऐसा होता है ना, माँ ने कहा यही यही करूंगी, तो फादर अच्छा कर लो। तो कभी कभी ऐसे भी है ना, जिसको बोलते हैं ना हैंड पैक्ड हस्बैंड, यानी कि एक हमारी फिल्मों में बड़ा एक कॉमन डायलॉग है ना, क्या बीवी का गुलाम जोरों का गुलाम, इस टाइप के भी कुछ फादर्स होते हैं। उस केस में क्या होता है कि मदर जो कहेंगी वही चलेगा, है ना, तो उससे कभी कभी प्रॉब्लम है, क्योंकि मदर घर की सिचुएशन तो समझती है, इन घर के बाहर जाके फादर जो कर रहे हैं उस सिचुएशन को शायद वो ना समझ पाए, ऐसी सिचुएशन में ऐसे कभी कभी हो जाता है। एक टिपिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा हर जगह और हर फैमिली में नहीं होता, लेकिन ये एक टिपिकल एग्जांपल है केवल समझने के लिए, है ना, एक पर्सपेक्टिव से। तो उसी प्रकार से अगर वो मदर अपनी हर चीज को पूरा करेगी, तो फादर घर को जो डायरेक्शन देना चाहते हैं, एक ब्रॉडर डायरेक्शन देना चाहते हैं, जिस डायरेक्शन में चल कर वो घर अच्छे से डिसिप्लिन में रहेगा, वो डिसिप्लिन कम हो जाएगा। और फिर क्या होगा, मदर बच्चों के साथ घुली मिली है, तो बच्चों ने जो जिद करी, फादर बोलेंगे नहीं, फिर मदर कहेगी नहीं नहीं कोई बात नहीं करने दो, है ना। मैंने कई बार एक ऐसा उदाहरण देखा है कि बच्चे पैसे मांगते हैं, फादर कहते क्या अभी नहीं जाओ, लेकिन माँ कहती कोई बात नहीं बेटा ले ले, 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 है ना, ऐसा एक उदाहरण होता है। तो क्या होता है, वो बच्चा माँ से पैसे मांग मांग के माँ को थोड़ा ब्लैकमेल भी बच्चे कर लेते हैं, फादर को नहीं कर पाते। तो ऐसे भी क्या होता है, वो बच्चा धीरे 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 एक बहुत डेंजर, एक खतरे वाली सिचुएशन बनती है कि वो बच्चा गलत आदतों में पड़ जाए और माँ को ब्लैकमेल, इमोशनली ब्लैकमेल कर करके वो पैसे लेता रहे और फादर को
पता ना चले, है कि नहीं? ऐसी सिचुएशन बहुत डेंजरस है दोस्तों। ये सिचुएशन प्रैक्टिकली हमारे साथ होती है, हमारा इंटेलिजेंस उतना स्ट्रांग नहीं, और हमारा मन इंद्रियों की बात मान ले जाए, इंद्रिया हमें पटा लेती, खा ले थोड़ा और खा ले और खा ले, रात को ज्यादा खा लिया, पेट में दर्द हो गया, फिर जाके जाके इंजेक्शन लगवाया डॉक्टर से पेन किलर वाला। एनीवेज ये एक उदाहरण है, और भी कई गलत आदतें हो सकती है, दोस्तों के साथ पार्टी करी और ड्रिंक कर लिया, पड़े हुए हैं, अपना ही होश नहीं है, है ना, और फिर घर वालों को पता चला तो फिर क्या होगा वो तो आप जानते हैं। एनीवेज इस तरह की कई चीजें हो सकती है, कई एग्जांपल्स हैं, हम इसी चीज को समझ सकते हैं, है ना। तो ये फादर मदर और चाइल्ड वाले क्यों, क्योंकि हमें इस समय इंटेलिजेंस माइंड और सेंसेस तीनों को समझना था, तो इसलिए हमने ये तीनों का एग्जाम्पल लेके आपको दो तीन चीजें बताई, तो इस एग्जाम्पल को माइंड में रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। सुशीला प्रभुपाद बहुत अच्छी चीजें हमें लर्निंग देते हैं कि गोदास मतलब एक व्यक्ति जिसकी सेंसेस उसको ड्राइव करती, यानी एक घर ऐसा जिसमें बच्चे घर के डिसीजन लेते हैं, सोचिए एक घर ऐसा है जिसमें बच्चे घर के डिसीजन लेते, जरा जरा से 5 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, और पढ़े लिखे माँ बाप जो है वो फैसला नहीं ले रहे, बच्चे जो बोलते हैं वो माँ बाप करते हैं, वो घर कहाँ जाएगा? वो घर किस दिशा में जाएगा, आप ही सोचिए। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति की इंद्रियां कंट्रोल में नहीं, उसकी सेंसेस कंट्रोल में नहीं, वो गोदास है, गोदास मतलब इंद्रियों का दास है, उसकी भी यही सिचुएशन होगी, उसका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट नहीं है। लेकिन जो बोध स्वामी है, यानी कि इंद्रियों को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लेता है, और उपदेशामृत का पहला श्लोक जो है वो हमें एक्चुअली में बताता है कि गोस्वामी कौन होता है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान सर्वामपिमां पृष्टिश शिक्षात्। यानी कि गोस्वामी वो हुआ जिस व्यक्ति की सेंसेस जिस व्यक्ति की सेंसेस पूर्ण रूप से कंट्रोल में है, जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में है ना। जैसे कि एग्जांपल हम आपको बताएं कि ये श्लोक जो है 6 चीजें बताता है। वाचो वेगम यानी कि जिसकी स्पीच कंट्रोल में, जो क्या बोल रहा है वो कंट्रोल में, मनसा मन उसका कंट्रोल में है, यानी उसकी इंटेलिजेंस उसके मन से ज्यादा स्ट्रांग है। मनसह क्रोध वेगम, क्रोध वेगम मतलब उसको अपना गुस्से पे कंट्रोल है, गुस्सा करता है तो कभी कभी कर सकता है दिखाने के लिए, करने के लिए नहीं, ठीक है। क्रोध वेगम जिह्वा वेगम यानी जो खा रहा है उस पर कंट्रोल है उसका, अच्छे अच्छे टेस्ट के पीछे भागता रहता है। एक लड़के का IIT में एडमिशन हुआ, पूरा सेमेस्टर वो भागता रहा कि बाहर अंदर हॉस्टल में अच्छा खाने को नहीं मिल रहा, माँ बाप अच्छा खिलाते थे तो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट ढूंढता रहा पूरा सेमेस्टर। बाद में उसका क्या रिजल्ट आया वो आप जानते हो। सो द पॉइंट इज कि जिह्वा कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर जीवन के किसी पर्पस को अचीव करना है तो हमें छोटी छोटी चीजों को कंट्रोल में रखना चाहिए, जिह्वा उनमें से एक है। जिह्वा वेगम उदर पेट, जिह्वा और उदर के वेग में अंतर है। जिह्वा मतलब अच्छा टेस्ट खाना, और उदर मतलब खूब ज्यादा खा लिया, है ना। उदर वेगम और उपस्थ वेगम यानी कि हमारे जेनिटल्स, यानी कि जो सेक्सुअल ड्राइव अंदर से आता है, तो उसे हमें स्ट्रांगली कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। सो ये है, ठीक है। और माइंड इंटेलिजेंस स्ट्रांग नहीं है तो प्रभु जी अब क्या करें, इंटेलिजेंस ही स्ट्रांग नहीं है तो। ऐसी परिस्थिति में जब इंटेलिजेंस हमारा स्ट्रांग नहीं होता तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, डिवोटीज की एसोसिएशन लेना चाहिए, वो हमें बताएंगे डिस्क्रिमिनेशन पावर, सही क्या है गलत क्या है वो हमें अच्छे से बताएंगे, और फिर डिटर्मिनेशन जो सही है उस पर कैसे टिके रहे उस पर रखने का डिटर्मिनेशन भी हमें देखो। और डिटर्मिनेशन हमारा चैंटिंग से भी स्ट्रांग होता है, जितना अच्छे से हम स्ट्रांगली बैठ के हम चैंटिंग करते हैं, है ना, वो चैंटिंग जैसे हम करते रहते हैं हमारा डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होता है, उससे हमारा माइंड कंट्रोल होता है ना। मंत्रा मेडिटेशन हम लोग करते हैं, चैंटिंग करते हैं मंत्रा मेडिटेशन, मना त्राय देती मंत्र, उससे माइंड हमारा कंट्रोल में आसानी से, ठीक है। तो ये 6 वेग है जिनको हमें कंट्रोल में रखने का प्रयास करना चाहिए। चलो फॉल्स ईगो मेक्स वन आइडेंटिफाई विद द बॉडी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जो अहंकार है वो आपको बताता है कि आप आत्मा नहीं हो, आप शरीर हो। लेकिन भगवत गीता बताती है आप शरीर नहीं हो आत्मा हो, कौन सही है?
ऑब्वियसली भगवत गीता सही है, ठीक है। सो ये एक पॉइंट, ये प्रॉब्लम है अहंकार के साथ, ठीक है। जो व्यक्ति फॉल्स ईगो के अंतर्गत है वो कभी भी अपने आप को आत्मा नहीं मान पाएगा। और अगर आप उससे कहेंगे, है ना, अगर आप कहेंगे उससे कि नहीं आप आत्मा हो, तो वो बोलेगा तुम सब बेवकूफ बना रहे हो, ये तुम लोग का ये सब गड़बड़ है सब। वो वहां से भाग ही जाएगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, वो उसका ईगो उसको एक्सेप्ट करने नहीं देगा। इसलिए हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको रियलाइज भी करना चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं हाँ आप आत्मा हो, हाँ हम आत्मा है, और बताइए। अरे भी उसको सोचो, उस पर सोचना भी है आगे, है ना, ठीक। एनीवेज ओके, तो जानवरों का जीवन बहुत दुखद होता है, क्यों? सो अरे सो मंकी, हाँ मंकी की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा रेस्टलेस जो जानवर होता है ना वो होता है मंकी। मंकी का जो होता है ना वो ये रहता है कि वो एक जगह बैठ ही नहीं सकता ज्यादा, है ना। तो वो किसी ना किसी को गड़बड़ करेगा। आप कई बार वीडियोस देखते हैं YouTube Facebook पे वीडियो आते हैं, क्या वीडियो आता है कि वो जो बंदर है वो जाके कभी किसी कुत्ते को परेशान कर रहा है, बंदर कभी कभी जाके शेर को परेशान कर रहा है, कभी सांप को परेशान कर रहा है। मतलब उसको कुछ है ही नहीं, वो बैठ ही नहीं सकता एक जगह, है ना, ठीक है। सो ऑल मंकीज आर रेस्टलेस, बट देयर इज वन मंकी हु पीसफुली with semi-closed eyes is absorbed in chanting Lord's names without becoming restless. Can you guess who he is? आप चैट विंडो में लिख के भी भेज सकते हैं हमें, कि जो मंकी है, बहुत सारे रेस्टलेस होते हैं, लेकिन एक ऐसा मंकी है, एक ऐसा बंदर है जो आंखों को आधा बंद करके, है ना, भगवान के नाम लेता रहता है, है ना, और भगवान के नामों को लेता है और बहुत आनंद पाता है, शांति का अनुभव करता है। कौन बताएंगे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, सबने सही बताया, वेरी गुड। कौन कौन सही बताया? अथर्व, पुनीत, श्रेया, अभय, वेरी गुड, यस, वो है हनुमान जी, वेरी नाइस। तो एक ऐसा भी बंदर है जो भगवान का नाम लेके शांति से अपनी आंखों को आधा बंद रखता है, जैसा चैप्टर 6 भगवद गीता में बताया, और वो शांत रहता है भगवान के नाम को लेकर। तो एक बंदर भी शांत रह सकता है अगर वो भगवान का नाम ले तो, ठीक है। और नहीं लेगा तो फिर क्या करेगा? फिर वो यही करेगा, गड़बड़ करेगा, ठीक है। सो कूल हेडेड मंकी हनुमान जी, है ना, हनुमान जी सब जानते हैं, सब बहुत फेमस है, है ना, कूल हेडेड मंकी, बहुत सारे बच्चे कार्टून फिल्म भी बनाते हैं हनुमान जी के ऊपर, है ना। सो जब हम भगवान के भक्त बन जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, हमारे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, है ना, तो हम अपने मन को बहुत आसानी से शांत कर सकते हैं। तो एक बंदर के होने के बाद भी हनुमान जी कैसे अपने मन को शांत रखते थे और प्रसन्न रखते थे? बंदर का नेचर तो अपोजिट है, वो बैठ ही नहीं सकता एक जगह, है ना, उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी है। तो ये बंदर कैसे ऐसे रह गए? तो ये वानर इसलिए ऐसा कर गए कि भगवान का नाम लेने में उनको रुचि थी, भगवान का नाम लेते थे, और इसीलिए लेते लेते उनका मन शांत हो गया। और जब मन शांत हो गया तो सारा रेस्टलेसनेस चला गया माइंड का, और फिर वो गड़बड़ हरकतें नहीं करते। बचपन में हनुमान जी ने बहुत गड़बड़े किए, है ना, लेकिन जब से भगवान का नाम लेना शुरू किया तब से सारी गड़बड़े बंद हो गई, ठीक है। तो आप भी देखिए, अगर आपका मन भी बंदर की तरह है, इधर उधर भागता रहता है, रुकता नहीं है, तो आपको और सिंसियरली और स्ट्रिक्टली भगवान का नाम का चैंटिंग करना चाहिए, तो मन आपका शांत हो जाएगा। राम श्याम, अरे एक सेकंड,
सो राम श्याम आईआईटी मुंबई में फर्स्ट ईयर के क्लासमेट्स हैं, ठीक है। तो क्विज क्विज टाइप चल रहा है, क्विज पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो उनका डायलॉग है ना, तो डायलॉग है तो आपको श्याम अच्छा अच्छा जवाब दे रहा था ना पिछले डायलॉग में, अब वो जवाब आपको देने, ठीक है। सो अब आप लोग जवाब देना शुरू करिए, ठीक है। पहला सवाल राम ने पूछा, बताइए श्याम ने क्या जवाब दिया। राम कहता है, इफ वी हैव लिव्ड बिफोर व्हाई कांट यू रिमेम्बर इन माय प्रीवियस लाइफ, अगर मैं पहले जीवन जिया था, मैंने अगर पहले मैंने जीवन जिया था तो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है कि मैंने पहले क्या जीवन जिया था। तो कौन जवाब देंगे? ओके, वीडियो ओके, कौन जवाब देंगे? सो आपके आंसर्स का वेट कर रहा हूं। अगर हमने अगर हमने जीवन जी लिया है तो हमें पिछला जीवन क्यों याद नहीं है? याद करिए, हमने एग्जाम में डिस्कस किया। ओके, अच्छा प्रयास किया है। बॉडी चेंज नहीं, बट रीजन क्या है? रीजन कुछ उसको समझाना पड़ेगा ना सामने वाले को। आप इतना सा बोल दोगे तो ये तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ भी लिखो नंबर मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब सामने वाला प्रश्न पूछ रहा है तो आपको उसको कन्विंस करना पड़ेगा। तो क्या बताएंगे? आज सेशन में हमने डिस्कस किया, हाँ, आंसर क्या हो सकता है? एक आंसर ये हो सकता है कि भाई जैसे कि सपने में आप जब रहते हैं तो आपको बॉडी का कोई होश नहीं रहता, नहीं, सपने में जाने से पहले आपको याद है कि आप क्या कर रहे थे? जब सपने में है तो आपको सपना ही दिख रहा है, आपको याद भी नहीं है कि आप सपने में गए हैं या कब सोए, कितने बजे, दिन में क्या किया, कुछ याद नहीं, केवल सपना ही दिख रहा है। इसी प्रकार से इस जीवन में जब हम देख रहे हैं तो हमें ये जीवन ही दिख रहा है, हमें आगे पीछे का कुछ नहीं दिख सकते, है ना। सपन में हमारी पूरी तरह से हम कवर्ड हो जाते हैं, है ना, कवर के अंदर, एक रूम के अंदर है, रूम के बाहर का नहीं देख सकते। इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। सोल इज नॉट स्टेबल, इस पे हम आते हैं थोड़े टाइम में। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब राम अगला सवाल पूछता है। आप में से किसी ने हैंड भी रेज किया था क्या? नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, सो राम ने अगला सवाल पूछा, बट व्हाई शुड गॉड नॉट अलाउ मी टू रिमेम्बर माय प्रे, भगवान मुझे पिछला जन्म याद करने अलाउ करने क्यों नहीं करते? भगवान, मैं तो चाहता हूँ पिछला जन्म याद होते, लेकिन भगवान मुझे अलाउ नहीं कर रहे। अब क्या इस सिचुएशन में क्या जवाब देंगे आप, बताइए? कैसा क्या एग्जांपल, कैसे उसको समझाएंगे? सो भगवान हमें प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मान लीजिए पिछले जन्म में मेरी मृत्यु हुई और वो मृत्यु बहुत गंदे तरीके से हुई, किसी ने मेरा खून कर दिया, मुझे बहुत मारा पीटा और फिर मार दिया, तो मैं अगले जन्म में, अगर पिछले जन्म का याद है तो अगले जन्म में मैं जी नहीं पाऊंगा और ढूंढता रहूंगा कि उससे बदला लेना है मुझे, है ना। इसीलिए ये एक तरीका है हमें स्टेबल बनाने का। या मतलब पिछले जन्म में मैं गाय था और हमारे तो इतने सारे वो है ना, बचर हाउस ना, बहुत सारे जहाँ पे जानवरों को मार के खाते हैं, या मैं एक मुर्गा था या बकरा था, मुझे मार के खा गए लोग, काट पीट गए, है ना। और बाकी चाइना में तो और कुत्ते, बिल्ली और सांप और कछुआ सभी खा जाते, तो वो था मैं पिछले जन्म में और मेरे को कैसे तड़ापा के उबाल के खाया गया, तो फिर मेरा जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना मित्रों। इस चीज को समझने का प्रयास करो, इसलिए भगवान प्रोटेक्ट करते हैं। अतर अपना हाथ ऊपर कर रहा है ना, अतर कुछ कहना चाह रहे हैं, अतर आप कहना तो चाह रहे हैं, ठीक है लीजिए, कुछ कहने का प्रयास करते हैं। जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा था,
एक सेकंड में आ जाते हैं। ये सर बोलिए। हाँ, जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा था जिसमें क्या कहते हैं, उन्होंने बोला था कि हम अपनी पिछली लाइफ का याद क्यों नहीं रख सकते। तो आपने बताया था कि जो जो इंटेलिजेंस है, जो ब्रेन है, उसके अंदर जितनी भी मेमोरी है वो स्टोर होती है, पर जब हम बॉडी चेंज करते हैं तो जो मेमोरी है वो ब्रेन के साथ ही छूट जाती है, और जो बचता है वो हमारा माइंड बचता है, जो हमारे साथ वो क्या कहते हैं तो चला जाता है। तो हमारी आदतें हमारे पास रहती हैं, पर जो मेमोरी है वो ब्रेन में रह जाती है, इसलिए हम कुछ याद वो इसलिए हम कुछ याद नहीं रह सकते। सॉरी आई थिंक अगर मैंने कुछ गलत एक्सप्लेन किया, एक्चुअली में मेमोरी भी जाती है एक्चुअली माइंड इंटेलिजेंस इसको तीनों ही जाता है अगले जीवन। बहुत अच्छा सवाल है आपका, एक क्लैरिफिकेशन कर देते हैं कि माइंड इंटेलिजेंस इगो तीनों ही जाता है लेकिन मेमोरी नहीं जा पाती है ना, लेकिन मेमोरी नहीं जा पाती। कारण मेमोरी रहती है लेकिन जैसे कि ओके एक सेकेंड सो माइंड सॉरी मेरी सेटिंग में कुछ थोड़ा गड़बड़। ओके अभी आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? आई होप अब आ रही होगी आप लोगों को मेरी आवाज, कुछ थोड़ा गड़बड़ था। या सो अब सिचुएशन ये है कि माइंड इंटेलिजेंस को तीनों जाता है, हमारी मेमोरी भी साथ में जाती है, लेकिन जैसे मेमोरी में है ना, अगर आप लोग ने थोड़ा सा मेमोरी का साइंस पढ़ा है, जैसे हार्ड डिस्क होती है ना, इसमें मेमोरी पूरी हार्ड डिस्क में होती है लेकिन कहाँ क्या रखा है वो एक मेन सेक्टर में होती है, प्राइमरी जो सेक्टर्स होते हैं उनके अंदर होती है ना, वहां पे एक्चुअली इंफॉर्मेशन होता है कौन सी फाइल कहाँ है। अगर वो वाली मेमोरी में गड़बड़ हो जाए तो फिर कहाँ कौन सी फाइल पड़ी है कोई हिसाब नहीं है, है ना, फिर वो पूरी हार्ड डिस्क का खराब है। कभी कभी हमारी हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है, हम जाते हैं भैया हार्ड डिस्क देखो कुछ डेटा रिकवर कर दो, वो पहले वो देखता है कि वो प्राइमरी सेक्टर सही है कि नहीं, अगर वो सेक्टर सही है तो बोलता है हाँ रिकवर हो जाएगा, और नहीं तो वो सेक्टर्स गड़बड़ हुए हैं तो कहेगा भैया कोई काम के नहीं, आपकी रिकवर नहीं होगा डेटा। कहने का तात्पर्य है कि मेमोरी में सब कुछ है लेकिन उन इंफॉर्मेशन को निकालना कैसे है और वो कहाँ है ये हमें नहीं पता होगा, है ना, हमें पता है वो इंफॉर्मेशन रखा है। क्यों? क्योंकि जब अगले पिछले जन्म में मान लीजिए हमें अगर हमारे को चाकू से मार के हमारी मृत्यु हो गई है, किसी ने चाकू से मारा और हमारी मृत्यु हो गई, अगले जन्म में वो जो डर है चाकू का वो हमारे साथ रहेगा, हमारे अंदर अजीब अजीब तरह के मतलब फोबियाज होते हैं लोगों को, तो चाकू अगर दूर रखा हुआ देख लेगा ना, तो एक किचन में या वो रोड के उस पार भी चाकू किसी को चाकू चलाते हुए देख लेगा वो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, उसको नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसको दवाई खानी पड़ेगी। लिटरली ऐसे लोग हमने देखे हैं, है ना, तो फोबियाज होते हैं, अलग अलग प्रकार के फोबियाज होते हैं लोगों के लाइफ में, तो हमें इसको हम बाद में कभी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, इस पर पूरा रिसर्च पेपर है ना, डॉक्टर इयान स्टीवन सर का, वो हम बाद में आपसे डिस्कस कर सकते हैं। सो दैट्स द पॉइंट, ठीक है। सो और कोई प्रश्न है तो आप हैंडल कर सकते हैं। सो अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। राम, आई थिंक टाइम कितना हो गया,
थिंक टाइम हो गया हमारा, आई थिंक सेशन जो है हमारा, सो आई थिंक आई यहाँ पे हम रोकते हैं आज, क्योंकि आई थिंक आप लोग के लिए काफी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, सो प्लीज अभी ये सेशन थोड़ा सा बचा हुआ है, तो नेक्स्ट आपका जब सेशन होगा तो उसमें हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं और हम अगले सेशन पे मूव भी कर सकते हैं, राइट, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सॉरी सो बहुत इम्पोर्टेंट है, सो इस पर हम ध्यान देंगे और डिटेल में अगली बात जाएंगे. So, thank you so much for your time and for your patience. आपको प्रश्न है अगर आप पूछ सकते हैं, जो भी प्रश्न है ना आप पूछ सकते हैं, और हम थोड़ा सा एक दो मिनट दो तीन मिनट उस पर ध्यान देंगे और फिर हम प्रश्न करेंगे, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं. So, अथर्व ने हैंड रेस किया है, प्रभु जी जैसे ये प्रभु जी आज इस सेशन का नहीं है, थोड़ा आज सुबह आप जो मैंने बात करी थी, एक सेकंड अथर्व होल्ड करिएगा. हाँ सर आप बोलिए. हाँ ये प्रभु जी वो इस सेशन का नहीं है, इस सेशन पहले मैंने आपसे जो सुबह बात करी थी उससे रिलेटेड है थोड़ा. हाँ तो आपने बताया था कि जो ब्रह्मचर्य के, तो आपने मेरे को एक टिप, एक वो रूल बताया था मेरे को, मन से कर्म से और वचन से हमें स्त्रियों को माता समझना चाहिए. हाँ और क्या कहते हैं कई बार प्रभु जी बाई चांस अगर मेरे को बाय उनसे क्या कहते हैं बात करने को मिलता है, स्कूल से रिलेटेड बात करने को मिलता है, तो कुछ होते हैं जो क्या कहते हैं एक्स्ट्रा बात करने के लिए लगे रहते हैं, तो उनसे कैसे डील करा जाए. किनसे, सॉरी फिर से बोलेंगे. आपने मेरे से बोला था कि जो मन से वचन से और कर्मों से जो क्या कहते हैं फीमेल्स है उन्हें माता समझना चाहिए, पर जब मेरे को स्कूल से कुछ रिलेटेड काम मिलता है तो मेरे को कुछ क्या कहते हैं कुछ से बात करनी पड़ती है, उनमें से जो कुछ होते हैं वो और बात करने में तुले रहते हैं, तो वो अननेसेसरी बातें करते हैं, तो उनसे कैसे डील करा जाए. आई थिंक ये थोड़ा टॉपिक से हमारा बाहर हम चले गए. आई थिंक रीइंकार्नेशन से रिलेटेड हमारा डिस्कशन था जो कि भगवद गीता के सेकंड चैप्टर में दिया है, बट आपका ब्रह्मचर्य से रिलेटेड प्रश्न है आपका, है ना. सो आई थिंक ये डीलिंग्स की बात है कि आप देखिए जितने सारे केसेस हो रहे हैं हमारे समाज में आज के डेट में, डेली न्यूज़पेपर में आता है ना कि ईव टीजिंग, है ना, या फिर मोलेस्टेशन, हरासमेंट, या फिर रेप्स, या फिर किलिंग्स, ऑनर किलिंग्स एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स. अगर ये एक फॉर्मूला है अगर हम अपने लाइफ में उतार लें, मातृवत सरदारेश, है ना, अर्थात कि हम किसी भी स्त्री को माता की तरह देखें, इसका मतलब नहीं हम माता जी से अपनी बात नहीं करते, है ना, माता जी से हम बात करते हैं, उनसे आशीर्वाद भी लेते हैं और कुछ काम पड़ता है तो उनसे उससे भी इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, है ना. लेकिन अभी हम सपने में हैं, उस सपने में उस माता को या उस लेडी को हम तभी गलत निगाहों से देखते हैं जब उन्हें भोग की वस्तु मानने लगते हैं, है ना, तभी हमको गलत तरीके से देखते हैं जब उन्हें भोग की वस्तु मान लेते हैं. और इसीलिए ये चाणक्य पंडित ने बहुत सुंदर उदाहरण श्लोक बताया था, मातृवत परदारेषु, अर्थात कि किसी भी स्त्री को माता की तरह हमें देखना चाहिए, है कि नहीं. तो डीलिंग्स जो होती है हमारी, तब भी हम माता बोले ना कॉलेज के, कई बार हम मंदिर में कुछ गर्ल्स आती हैं उनको माता जी बोलते हैं तो बोलती है हम माता जी नहीं है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज वो नहीं समझ पाते, इसलिए बोलना जरूरी नहीं है. बोलना जरूरी नहीं, लेकिन उसको जीवन में उतारना जरूरी,
और डील करना है तो डील करिए, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखिए. सॉरी मेरा थोड़ा गले में गड़बड़ है. तो इस चीज का ऐसे ध्यान रख सकते. ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस? All right. So shall we close the session now, Roji? Yes. मंगल प्रभु. हरे कृष्णा. यस हरे कृष्णा. किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं जल्दी से. सेशन क्लोज करते हैं. ऑलरेडी इट्स क्लोज टू 9. हरे कृष्ण. तो प्रभु जी हम क्लोज करें. भी ऐसा लगता है कि शायद अभी कोई प्रश्न नहीं है. हरे कृष्ण जी. गूगल प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है यहाँ पर. हरे कृष्णा प्रभु जी. अब आवाज आ रही है प्रभु जी. हरे कृष्णा. सो हम क्लोज कर सकते हैं आज का सेशन. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर सभी का ये सत्र ज्वाइन करने के लिए. और हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे. थैंक यू प्रभु जी फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम. हम प्रभु जी के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, और प्रभु जी ने जैसा कि आज बताया, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई कि हमें गोस्वामी बनना है, गोदास नहीं बनना है. हमें अपने सेंसेस को कंट्रोल करना है, उनका सर्वेंट नहीं बनना है. तो इस चीज को हमें बहुत समझना भी अच्छे से और इसको अपने जीवन में उतारना भी है. तो ठीक है प्रभु जी. तो प्रभु जी ही इज लेफ्ट मे बी नो ही इज देयर. सो ओके, हम प्रभु जी का कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके लिए प्रार्थना करेंगे और 3 बार हरि बोल बोलेंगे. तो सभी हमारे साथ हरि बोल बोलिए. हरि बोल हरि बोल हरि बोल. थैंक यू सो मच जीव गोपाल प्रभु जी अगेन. हरे कृष्णा.